हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी झारखंड में। एक बहुत ही बड़ा अपडेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल को लेकर आया है, आइए देखते हैं क्या अपडेट है। जैक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर याचिका। जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में PIL दायर की गई है। झारखंड इंटरमीडिएट शिक्षक एवं शिक्षकेतर महासंघ के महासचिव अरविंद कुमार सिंह ने याचिकाएं दायर की है। याचिका में जैक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर अनिल कुमार महतो को कुछ दिनों पहले जैक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया था, बट वो अभी तक अपने कार्यभार संभाले नहीं है। इसलिए डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने, महासचिव अरविंद कुमार सिंह ने याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में जैक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की है। इसमें कहा गया है कि पिछले चार माह से जैक अध्यक्ष की विहीन है। नियमावली के तहत अध्यक्ष को ही वित्तीय अधिकार के साथ साथ गोपनीय कार्यों जैसे परीक्षा से संबंधित सारे निर्णय लेने का अधिकार है। लगभग 21 लाख बच्चों की परीक्षा रुकी हुई है। बच्चों की परीक्षा लेने से संबंधित निर्णय नहीं हो पा रहा है। वहीं पूर्व में आयोजित हो चुकी कई परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, जब तक जैक के अध्यक्ष अपने कार्यभार नहीं संभालेंगे, तब तक आप लोगों का एग्ज़ाम लेने का कोई न्यूज़ नहीं आने वाला। तो इससे यह मालूम चलता है कि अभी तक आप लोगों का एग्ज़ाम्स को लेकर कोई भी बड़ा अपडेट नहीं आएगा। जैसे ही डॉक्टर अनिल कुमार महतो अपना कार्यभार संभालेंगे, उसके बाद ही वो अपने एग्ज़ाम कब लेंगे कब नहीं उसका डिसीजन देंगे।